ये एरीगेशन एरीगेशन चैप्टर वन का अब एरीगेशन हम लोग देख रहे हैं। एरीगेशन डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के डिफरेंट प्रैक्टिसेस थे, उसमें कुछ पॉइंट्स थे हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब खेती की जाती है उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। बहुत सारी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, इसमें लेशन नंबर टू के बारे में हम लोगों ने देखा था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग है, एडिंग है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है। हम लोगों ने ये लेक्चर क्लास टू में पार्ट टू में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर तक देखा था। आज हम लोग पार्ट थ्री में हम लोग इरीगेशन के बारे में देखेंगे कि इरीगेशन क्या है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एरीगेशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो एरीगेशन का क्या महत्व है? एरीगेशन मतलब होता है पानी पटाना, पानी किस तरह से हम लोग पटाते हैं, तो ये एरीगेशन ये कहलाता है। तो ये एरीगेशन के बारे में आज की चर्चा होगी। पार्ट थ्री में एरीगेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एरीगेशन यहाँ पे आ गया। एरीगेशन क्या है? एरीगेशन मतलब क्या होता है? एरीगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, सिंचाई। 1.6 जो है ये एरीगेशन है। कह रहा है कि ऑल लिविंग बींग नीड वाटर, सबको वाटर चाहिए टू लिव, जीवित रहने के लिए वाटर चाहिए। ऑल लिविंग बींग चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो सबको जो है ना वाटर चाहिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाटर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाटर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं ये, क्यों इसे। तो वाटर दिया जाता है इरिगेशन में, वाटर दिया जाता है। तो इरिगेशन में हम लोग देख रहे हैं कि पानी कैसे दिया जाता है पेड़ पौधों को। करें कि वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड ऑफ प्लांट। करें कि पानी की ज़रूरत क्यों है? करें कि पानी की ज़रूरत ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर के लिए ज़रूरी है, फ्रूट के लिए ज़रूरी है, एंड सीड ऑफ द प्लांट के लिए ज़रूरी है। आगे कह रहा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, रूट के थ्रू जो है ये पानी दिया जाता है। कह रहा है कि अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ में मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ में कह रहा है ये कि पानी के साथ में मिनरल भी आ जाते हैं, फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। करें कि प्लांट कॉन्टेन अबाउट 90% ऑफ वाटर, प्लांट जो है करीब 90% ऑफ वाटर होता है प्लांट में। आगे देख रहे हैं हम लोग कि वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। कर है कि वाटर जो है इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो नहीं, डज नॉट टेक प्लेस, नहीं हो पाएगा। कैसे कंडीशन में? अंडर ड्राई कंडीशन, सूखे कंडीशन में ये जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि हर पार्ट में जो है वाटर जाता है। कह रहा है कि वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट करेंट, हॉट एयर करेंट। कह रहा है कि जो गर्म जो हवाएं चलती हैं, हॉट करेंट चलती हैं, उससे भी ये बचाव करता है। करें कि टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोन फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। करें कि फील्ड में जो है वाटर बराबर डालना है, जो खेती का जो खेत है वहाँ पे हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, हर समय उसको जो है पानी की ज़रूरत है, उसको पानी देंगे हम लोग। आगे बता रहा है कि इरिगेशन जो है किसको कहते हैं, इरिगेशन किसको कहते हैं। कह रहा है कि सप्लाई ऑफ वाटर
to the crop at different interval is called irrigation. कह रहा है कि पानी जो दिया जाता है, supply of water दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, crop के दिया जाता है, different interval पे, समय समय पे, इसी को irrigation कहते हैं. कह रहा है कि the time and frequency कब दिया जाए और कितनी बार दिया जाए. The time and frequency of irrigation ना वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, कह रहा है कि अलग अलग फसल में अलग अलग पानी की ज़रूरत होती है. इसके अलावा ये कह रहा है कि सॉइल टू सॉइल, जैसे मिट्टी के प्रकार हैं उसके आधार पे सॉइल टू सॉइल. इसके अलावा सीजन टू सीजन, जैसे गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी और बरसात में कम पानी की ज़रूरत होगी, बरसात होता ही रहता है उस समय पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी, और ठंड में जो है कम पानी की ज़रूरत होगी. तो कह रहा है कि ये सॉइल टू सॉइल, जैसा सॉइल है उसके अनुसार, और सीजन टू सीजन ये वेरी करता है. कह रहा है कि इन समर, गर्मी के समय में द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, बार बार पानी देना पड़ता है गर्मी के समय में, समर सीजन में. वाई दिस इट्स सो, वाई इज़ इट्स सो, कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि गर्मी में बार बार पानी दिया जाता है. कह रहा है कि could it be ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीफ. कह रहा है कि गर्मी में बार बार पानी की ज़रूरत है क्योंकि इवापोरेशन प्रोसेस होता है और पानी जो है उड़ जाता है वेपर के रूप में. कहाँ से उड़ जाता है? सॉइल से उड़ जाता है, और पत्तियों के लीफ है वहाँ से ये उड़ जाता है. इसलिए गर्मी के समय में जो है, समर के सीजन में, जो गर्मी के समय में वाटर बराबर इसको देते रहना है. अब हम लोग देख रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है. सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कैसे हम लोग पानी को पटावन करते हैं. तो आगे यहाँ पे बता रहा है कि द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, कुआं है, या ट्यूबवेल चंपाकल है, या पॉन्ड्स जो तालाब है, या लैक्स है, या रिवर है, डैम है, या कैनाल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं. तो क्या क्या सोर्सेज हैं? तो पहला वेल्स हैं, फिर ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लैक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं और कैनाल्स हैं. ये सारी चीज़ें हैं जो सोर्सेस ऑफ इरीगेशन है. ये क्या है? ये सोर्सेस ऑफ इरीगेशन है. अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में आगे हम लोग क्लास 4 में देखेंगे, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे, ठीक है. वाटर अवेलेबल इन द वेल, लैक एंड कैनाल इज लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन टेकिंग टू द फील्ड. कर है हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे, पार्ट 4 में हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इसके बारे में, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे.